एक कमाल का टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा डिमांड था लोगों का, तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। बीटेक और बीसीए में क्या बेस्ट है, इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जो लोग बीटेक करने जा रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं वो भी देखें, जो कर रहे हैं बीसीए वो भी देखें, जो करने की सोच रहे हैं वो भी देखें, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीसीए के बारे में। देखो बीसीए जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है। अगर हम बीसीए की बात करें तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और ऑब्वियसली बीसीए ग्रेजुएशन की डिग्री देता है, लेकिन सिर्फ बीसीए करने से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, आपको कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन, कोई ना कोई और चीज़ करना ज़रूर पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है कि सर बीसीए यहाँ से कर ले वहाँ से कर ले। देखो बीसीए अगर कर रहे हो, बीसीए में भी यही टर्म्स एंड कंडीशन, अच्छी जगह से बीसीए करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी जगह से अगर आप बीसीए नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपका करियर स्पॉयल हो जाएगा, आप बीए के बराबर हो, कुछ नहीं हो। तो सही जगह से बीसीए करना, सही टीचर के गाइडेंस में बीसीए करना बहुत अच्छी बात है। और देखो अगर सही से बीसीए कर रहे हो तो गूगल जैसी कंपनियों में आपको जा सकते हो। अब बीसीए करने के बाद आपको करियर ऑप्शन क्या क्या मिलेगा ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो बीसीए करने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हो, बीसीए करने के बाद आप अकाउंटिंग में जा सकते हो, बीसीए करने के बाद आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, बीसीए करने के बाद आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हो, ये सारे स्कोप हैं। अब बात थोड़ा सा बीटेक को लेकर करते हैं। देखो बीटेक के बारे में सबको पता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, 4 साल की डिग्री होती है, बहुत ही दमदार डिग्री मानी जाती थी, लेकिन वक्त के साथ इसकी भी वैल्यू जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे धूमिल हो रही है, लेकिन अभी भी बीटेक का जो वर्चस्व है वो बरकरार है। तो ऑब्वियसली बीटेक करने के बाद, सिर्फ बीटेक कर लेने से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी ये भी मैं बता दे रहा हूँ। बीटेक के बाद भी आपको स्पेशलाइजेशन लेना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लगे। लेकिन कंपेयर अगर करें, एक तरफ बीटेक है एक तरफ बीसीए है, तो कहीं ना कहीं बीटेक का पल्ला भारी है। बीटेक ऑब्वियसली जो माइंड सेट होता है वो चेंज करता है। बीटेक अगर आप सही जगह से कर लिए तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाएगा, सही सारी चीज़ें हो जाएंगी। बीसीए में भी कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि बीसीए में कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो सकता, बीसीए में भी कैंपस प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बीएचयू जैसी संस्थाओं, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कैंपस प्लेसमेंट होगा, वरना कैंपस प्लेसमेंट यहाँ से आपका नहीं हो सकता। यहाँ से चीज़ें आपके समझ से बाहर हो जाएंगी, यहाँ चीज़ें आपके लिए इस तरह से इतना ईजी वे में काम नहीं कर पाएंगे जितना ईजी वे में आपके लिए बीटेक में काम कर पाएंगे। बीसीए के बाद देखो आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना तो भी जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में भी करियर अपॉर्चुनिटी है। बीटेक के बाद अगर हम बात करें तो आपके लिए भी बैंकिंग सेक्टर में है, लेकिन गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, किस में जाना ये आप डिसाइड करोगे। चाहे बीटेक हो चाहे बीसीए हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से इंग्लिश बोलने आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू दे करके जाओ। मॉक इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको पूरा चीज़ें तैयार की जाती है, उसके बाद फिर आप डमी इंटरव्यू देते हो किसी के सामने, उसके बाद फिर जाते हो। तो बीसीए के बाद भी, बीटेक के बाद जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ, मॉक इंटरव्यू के लिए जाओ। अब इंडस्ट्रियल में बात करें, सैलरी की बात करें, तो बीसीए लेवल पर अगर स्टार्टिंग सैलरी पैकेज अगर आपका कैंपस हो जाता है तो 2.5 से 3 लाख की पैकेज मिलेगी। बीटेक के बाद कोई लिमिट नहीं है पैकेज की, करोड़ों में भी पैकेज मिलती है। बीसीए के बाद अगर हम ऑफलाइन जॉब की बात करें तो ऑफलाइन जॉब 10 से 15 हज़ार रुपए की जॉब है, बीटेक लेवल पे भी वही जॉब है, लेकिन अपग्रेडेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बीटेक बेहतर हो जाएगा, बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, बीसीए करके भी लोग गूगल में जॉब कर रहे हैं, 40-40 लाख तक की पैकेज है, लेकिन हाँ उन्होंने इतना अपग्रेड किया अपने आप को, दिन रात एक कर दिया, इतनी दूर तक अपने आप को लेके गए बीसीए करने के बाद, शायद बहुत नामुमकिन चीज़ को उन लोगों ने मुमकिन किया है, तब जाकर के वहाँ पहुँचे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ये सारी चीज़ जब तक जानोगे नहीं, ये सारी चीज़ जब तक सीखोगे नहीं, ये सारी चीज़ जब तक एनालाइज नहीं करोगे अपने अंदर, तब तक किस तरह से आगे बढ़ोगे। देखो बीसीए बुरी चीज़ नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ बीसीए बुरी चीज़ नहीं है, बट उसको करने का तरीका आपको आना चाहिए कि बीसीए किस तरह से करें, बीसीए में किस तरह से करियर बनाएं, बीसीए में किस तरह से अपने आप को लेके जाएं, किस तरह से आपका करियर बीसीए के बाद आगे जाएगा, किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये सारी चीज़ें आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए शायद करियर बड़ा खतरनाक हो सकता है। बीसीए के बाद भी प्लेसमेंट होता है, बीटेक के बाद भी प्लेसमेंट होता है, और प्राइवेट इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, दोनों के लिए अब जॉब है, दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। पहले तो इतना नहीं था गवर्नमेंट सेक्टर में सीएस ब्रांच का स्कोप या फिर बीसीए का स्कोप, लेकिन समय के अकॉर्डिंग, समय की जो डिमांड है
वो कंप्यूटर साइंस का ही जमाना है, तो बीसीए का स्कोप डे बाय डे और बढ़ेगा, लेकिन हाँ उसमें मॉडिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें होंगी, अपग्रेड करना पड़ेगा। बीसीए वाले ना एक लेवल पे अपने आप को स्टॉप कर देते हैं, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बीटेक वालों को टक्कर दे देते हैं बीसीए वाले, तो वो मेहनती स्टूडेंट होते हैं, उनका ड्रीम होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो जाके वो वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, जो लोग टेलीग्राम पे हो करेडर चैनल टेलीग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।